नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। शोएब अख्तर कुछ दिन पहले बाबर आजम की खूब बुराई कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, पर एक मैच के बाद बाबर आजम की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ रहे हैं। जी हां, शोएब अख्तर ने बाबर आजम की आलोचना दूसरे T20 मैच के बाद की थी। शोएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम को क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से सीखने की ज़रूरत है, वरना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल दूसरे T20 मैच में बाबर आजम ने अपना 50-49 गेंदों का सामना करते हुए पूरा किया था। उन्होंने पारी में कुल 50 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद क्रिकेट जगत के तमाम लोग बाबर आजम की धीमी पारी पर खूब गुस्सा हुए थे और राय देने लगे थे कि बाबर आजम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पर अगले ही मैच में सारे क्रिकेट आलोचकों के चेहरे पर बाबर आजम ने तमाचा मारा। बाबर आजम ने तीसरे T20 मैच में 49 गेंदों का सामना करते हुए शतक ठोक डाला। उन्होंने 59 गेंदों का सामना करते हुए 122 रनों की पारी खेली। इस दौरान बाबर आजम ने 15 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जबकि स्ट्राइक रेट बाबर आजम का पारी के दौरान 206 का रहा। इस शतक के साथ बाबर आजम ने कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए। अब बाबर आजम की बैटिंग देखने के बाद शोएब अख्तर ने उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े हैं। अख्तर ने कहा, 50 में 50 रन बनाने के बाद बाबर की आलोचना हर किसी ने की थी, मैंने भी की थी, पर कहा इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि बाबर उस तरीके का बल्लेबाज हैं ही नहीं। अब बाबर आजम धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और डेवलपमेंट में टाइम लगता है। पहले टेस्ट में फ्लॉप हुआ था, पर वनडे में बेहतर किया। अब T20 में बाबर रन बना रहा है और टेस्ट में भी शतक लगा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि बाबर आजम का बढ़िया प्रदर्शन और भी आएगा। कॉन्फिडेंस बस बरकरार रखना होगा और मुझे यकीन था कि साउथ अफ्रीका कितना भी रन बना ले, हम लोग मैच जीतने वाले हैं और बाबर आजम ने बैटिंग करके वो साबित भी कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।